हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का कितना बज रहा है यार? हाँ, सुबह के बज रहे हैं 8:30। और अभी मैं जा रहा हूँ, दोस्त आया है, ठीक है। उसका एग्ज़ाम चल रहा है 12th बोर्ड का, ठीक है। तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ उसके सेंटर तक। और सेंटर जो है यहाँ नहीं पड़ता, वो पड़ता है सहरसा में। तो उसका जो बड़ा भाई है, वो असल में मेरा क्लासमेट है, ये जूनियर है, लेकिन फिर भी इसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड रहा। प्रोग्राम वगैरह होता था तो मैं इसके साथ किया था, ठीक है। तो फिलहाल वो अभी आ रहा है, वो बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं तैयार रहता हूँ और हम लोग साथ में मिलके, वो तैयार वैयार होके आता होगा, क्योंकि मैं भी जाता था जब एग्ज़ाम देने के लिए, तो ड्रेस वगैरह वेल ड्रेस पहन के जाना पड़ता था। तो फिलहाल वो अभी आ रहा है, तो चलो थोड़ा सा और तैयारी कर लेते हैं, शूज़ वगैरह पहन लिया जाए, फिर उसके बाद निकलते हैं। प्लीज़, मैं बाहर निकल गया हूँ, बस वो आने ही वाला है, बोला कि बाहर रहना। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है दानियाल। और कैसे हो? इसका ये निकाला जाए, देखते हैं रोता है या नहीं। इधर देखो, इधर देखो, रोने लगा यार। चलो ठीक है, लगे रहो। कुछ है इसमें, कुछ जाता है मुँह में क्या? अच्छा, शहद है। ओहो, अच्छा, चलो ठीक है, पीते रहो। तो मैं आ चुका हूँ बाहर और मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। फिलहाल अभी तक तो नहीं आया है, तो फिलहाल मैं सोचा कि चलो कुछ ना तो बिस्किट खाया जाए। ये बाउंस है, इलायची की रही। फाइनली मेरा इंतजार हुआ खत्म और यहाँ पे आ चुके हैं साधन भाई। और बढ़िया बढ़िया, हाँ चलो तो बैठा जाए, बैठा जाए। चलो यार बैठ जाया जाए। लगता है वेल तैयार हो यार, हो के आयो क्या? ड्रेस व्रेस पहन के जाना पड़ता है क्या? अच्छा, ये हुआ शुरू मधेपुरा का सफर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सदर अस्पताल के पास और अभी हमें जाना है यहाँ से सहरसा। तो काफ़ी लंबी सफर है, तो उससे पहले हम लोगों ने कुछ ले लिया है। तो ये हमने लेस चिप्स वगैरह जो दिख रहा है ना, इसके बैग में बुक्स के बजाय मैंने ये सब रखा है, रखवाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगने वाला है भूख। भैया परेशानी टेंशन तो इसे है ना, मुझे तो खाना है सिर्फ। फाइनली सहरसा इन कर चुके हैं, तो अभी हमें ढूंढना है कि इसका सेंटर कहाँ पे है। साहब ये मैं आ चुका हूँ सहरसा का सबसे क्राउडेड एरिया, जो कि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहता है। यहाँ से अगर टाइमली लोग निकल गए तो समझ जाओ टाइमली पहुँच गए, वरना ये गाइस देख सकते हो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ साधन के सेंटर के पास। और साधन कैसा लग रहा है तैयारी करके? ओ भाई साहब, आप लोग तो कैसा है, आप लोगों की तैयारी मस्त ना? कौन सा एग्जाम है? कुछ एग्जाम याद नहीं है? फिजिक्स का है क्या? अरे बायोलॉजी है यार, क्लास याद भाई, मैथ्स वाले बंदे बायोलॉजी क्लास भी याद नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम अंदर डाल दिया। हाँ चलो ठीक है, बैग वगैरह रख दो यहाँ। और यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है और साधन जा चुका है अंदर। और मैं बता दूं कि मेरा भी जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था, उसका सेंटर भी यही पड़ा था, केंद्र विद्यालय। और इसका जो ये है, यहाँ पे आप जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है ना, वहाँ पे वो एयरपोर्ट है, यहाँ का पुराना एयरपोर्ट है, जो कि अभी बंद हो चुका है। तो चलो फिलहाल उधर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे चलो थोड़ा पानी ले लिया जाए, एक बॉटल। तो ये हमने ले लिया पानी बॉटल, ठीक है। तो चलो बाइक के पास चलते हैं, पहले पानी वगैरह थोड़ा सा पी लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बाइक से निकलेंगे घूमने के लिए। तो गाइज़ देख सकते हो, अभी मैं आ चुका हूँ सहरसा के ये पुराने वाले एयरपोर्ट के पास। और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका रनवे वगैरह भी है। क्या हुआ? जहाज गिरता है? कब उठता, कब उतरता है जी? गया, अच्छा सब कुछ हो चुका है। हाँ, ऑनलाइन मतलब कुछ दिन में अब चालू होगा? हाँ। मतलब पहले चलता था या नहीं ये, मतलब कि अभी स्टार्ट ही हुआ? मतलब कोई पॉलिटिशियन आता नहीं उतरता है। ओ, एक बार भी लैंडिंग वैंडिंग हुआ है जेट का या कोई भी प्लेन? हाँ। का हाँ? हाँ? ओ अच्छा, तो देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा है, मतलब 1 से 1.5 किलो तक का होगा ये रनवे, है ना। काफी एरिया भी बहुत बड़ा है। और अच्छा होगा कि अगर एक सहरसा में मिल जाए तो लोग पटना के बजाय लोग सहरसा भी आएंगे और लोग यहाँ से अपना आसानी से सफ़र को तय कर सकते। एक तो अभी दरभंगा में फिलहाल खुला है एक, हाँ। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आपका नाम? शुभ नाम? मेरा नाम राजदीप कुमार हुआ। राजदीप कुमार हुआ, अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और प्यारी सी बाबू कौन है? अच्छा बेटी है, बहुत ही प्यारी हो। क्या क्या नाम है बाबू? बोलती नहीं है। अच्छा बोलती नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा लगा। तो गाइज अभी देख सकते हो मेरे पीछे 3 बच्चे बैठे हुए हैं और इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है। तो मैं बोला चलो यार घुमाते हैं। तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ लग रहा है। चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रनवे पे, मजा लेते हैं, ठीक है। प्लेन तो फिलहाल अभी नहीं उड़ रही है, तो फिलहाल अपनी गाड़ी उड़ेगी, उड़ेगी ना। हाँ ठीक है, थोड़ा कस के सीट बेल्ट बांध लो, ठीक है। ऐसा लगा? मजा आया। चलो ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे। अब थोड़ा जा रहे हैं, एग्जाम का टाइम, अब एग्जाम अप होने वाला है, ठीक है। अच्छे से रहना, लड़ना उड़ना नहीं। पढ़ते उड़ते हो ना? जी, पढ़ते हो ना, पढ़ाई करो, ठीक है।
जहाँ स्कूल वगैरह सरकारी स्कूल वगैरह होता है ना उसमें पढ़ा करो, ठीक है? पढ़ोगे तभी मेरे जैसे बनोगे, देख रहे हो? आजकल पढ़े लिखो की बहुत डिमांड है मार्केट में, नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही घूमते रहोगे। गाइस लिटरली बता रहा हूँ यार, बहुत खुशी मिली और बहुत मज़ा आया बच्चे लोगों के साथ। मतलब क्या हुआ कि मैं जब वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो वो लोग मतलब बच्चे लोगों ने बोला कि थोड़ा सा घुमा दो ना भाई, तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया, जो सच बात है मैं आगे आ गया। मैं आगे आने के बाद थोड़ा सोचने लगा कि चलो थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है? और जब वो उन लोगों ने घुमा ना, तो मतलब बहुत खुशी महसूस हुआ उन लोगों को, बोला कि अरे अरे फिर से आ गया ये, तो हम बोले आओ आओ बैठो बैठो चलो घुमाते हैं तुम लोगों को। मतलब सही बात है यार, तुम्हारे अंदर भी कोई ख्वाहिश होगी, ठीक है, अगर वो पूरी हो जाती है ना, तो सच बता रहा है यार बहुत खुशी होती है कि नहीं होती है? सही बात है, होती है। तो उसी तरीके से उन लोगों के अंदर भी एक ख्वाहिश होगी कि थोड़ा सा गाड़ी पे घूमना है, तो मैंने गाड़ी पे घुमा दिया पूरा एकदम रनवे पे, एकदम मज़ा आ गया रनवे पे, ठीक है? और मैंने थोड़ा सा बोला यार पढ़ो, जो भी स्कूल वगैरह है पढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी मेरे जैसे बनोगे एक होनहार स्टूडेंट, ठीक है? चलो फिलहाल अभी गाड़ी हमने लगा दिया यहाँ पे, और फिलहाल अब छुट्टी होने वाला है, तो अब आ रहा है शायद। गाइस फाइनली एग्ज़ाम हो गया उसका और काफ़ी अच्छा रहा, और अब मैं आ चुका हूँ घर, ठीक है? तो आते आते हम लोगों को बज गए 3 भाई, 1:30 में उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, और वहाँ से गाड़ी लिए, फिर उसके बाद वहाँ से निकल दिए, ठीक है? तो फिलहाल चलो कुछ खा लिया जाए, भूख लग रहा है, फिर उसके बाद शाम में कहीं चलेंगे। गाइस देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा बलून वगैरह फुलाया जा रहा है, और इस मशीन के थ्रू फुलाया जा रहा है, और काफ़ी अच्छा है। तो आज इस दुकान का जो देख रहे हो ना, इसका आज उद्घाटन है, तो इससे जो है वो गेट बनाया जाएगा बलून से, और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो फिलहाल ये देखो यार, बिजी है भाई साहब आज, एकदम लिस्ट पे लिस्ट तैयार किया जा रहा है। सुनिए ना, हाँ तो आप क्या ले रहे हो उद्घाटन में? इसको लेना पड़ेगा ये नहीं, रेड बुल ही लेंगे। अच्छा वही लीजिएगा, वाह एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना, क्या बात है यार। देख सकते हो यहाँ पे बलून फुला के अच्छे से एकदम इसको टाइटली बांध दिया गया है, और अब जो है इसको एकदम ऐसे गेट बनाया जाएगा, मतलब जिस तरीके से बैनर होता है ना, तो बलून का गेट बनेगा। और अभी लगभग देखो 5:30 बज गया, तो लगता है कि इनॉग्रेशन होते होते 6 बज ही जाएगा। और अर्शी बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, सुबह से बिजी है। गाइस आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पे बलून वगैरह जो है वो पूरा एकदम गेट उसका जो है ना तैयार हो चुका है बनकर, और यहाँ पे देख सकते हो रिबन जो है अभी लगा हुआ है, तो अभी इसका कटिंग नहीं हुआ है, तो अब लगता है अब जो है इनॉग्रेशन बस अब होने ही वाला है। और कुछ सामान वगैरह भी आप देख सकते हो वहाँ पे, कोक पेप्सी वगैरह जो है ठंडे का सामान ना, वो अभी आ रहा है धीरे धीरे। तो आओ मिलते हैं। और भाई साहब हाँ बगल में बहुत नॉइज़ हो रहा है, आप क्या बताएं यार, सब टैंक साफ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या बात है यार। और ये हमारे A1 जनरल स्टोर के हमारे Sugar-coated doll is not so pure, my bad, I don't give a, you're stepping on me, I think I'm a mama, touch you better than that, I got lost in, tell my feelings that I can't seem to family to breathe. सकते हो फाइनली इनॉग्रेशन हो चुका है, और क्या बताऊँ यार, मैं जब रिबन कट रहा था उस वक्त था ही नहीं मैं, तो फिलहाल अभी मैंने कुछ लिया नहीं, तो अर्सी 10 रुपये के कुरकुरे कुरकुरे तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुरकुरे लिया जाए, है ना, 10 रुपये के तुरतुरे, 10 रुपये के तुरतुरे यार। तो ओपनिंग किया जाए, केन दो एक, और 10 रुपये के तुरतुरे दो, ले ले रहे तो गाइज देख सकते हो फीस थम्स अप केन और या तुरतुरे, तो चलो अभी इसे पिया जाए और इंजॉय किया जाए, है ना? और मामू कैसे? बहुत बढ़िया ना, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, अल्लाह बुलंदी पे ले चले, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, देख सकते हो बाहर से भी। और कुछ आप बोलना चाहेंगे दो लफ्ज? आइए हमारे दुकान पे जी, सर्विस मिलेगी यहाँ पे, जो भी जनरल स्टोर का आइटम है जी, और डोर स्टेप सर्विस है जी, आप मोबाइल पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं जी, सामान जी रेट में मिलेगा।
फाइनली इनोग्रेशन हो गया, लेकिन अफसोस की बात कि उस वक्त मैं प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे, तो मैंने किसी तरीके से वो वीडियो जुगाड़ किया और फिर उसमें ऐड किया, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चला गया था कुछ सामान वगैरह लाने, मुझे पता नहीं था कि कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ही जाना, ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।